दोस्तों आज की कहानी है बेटा हमारी मृत्यु के बाद हमारी हर चीज की वसीयत में अधिकारी हमारी बहू और बेटी होगी तुम नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। अरे सुधा बेटा हाँ जरा नाश्ता अच्छा बना लेना और कुछ मीठा भी बना लेना और हाँ सब कुछ तुम ही बनाना क्योंकि जो स्वाद तुम्हारे हाथों में वो इस घर में किसी के हाथों में नहीं। सुधा कहती है क्यों बाबूजी आज कोई खास बातें या फिर अपने लिए बनवा रहे क्योंकि हमें पता है आपको तो मीठा और सटपटा खाने का कोई मौका सही होता है। दीनानाथ जी कहते अरे नहीं बेटा वो तो तुम मेरी ध्यान रखती हो आज तुम्हारी ननसिया को लड़के वाले देखने आ रहे ना इसलिए हम तुमसे ये सब बनवाने के लिए कह रहे। यही है दीनानाथ जी और ये अपनी बहू सुधा से बात कर रहे। उनके परिवार में उनकी पत्नी दया जी उनका बेटा रमन और उनकी बेटी सिया दीनानाथ जी डाक खाने में सरकारी कर्मचारी तनख्वाह को ही बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन दीनानाथ जी और उनकी पत्नी दया जी बहुत समझदारी से अपने खर्चों में कटौती करके सीमित आमदनी में अपने घर को चला रहे। दोनों बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई तो आज बड़ा बेटा रमन एक बैंक में कैशियर की पोस्ट पर है लेकिन रमन बहुत ही स्वार्थी हैं। अब कमाने लगाए तो एक एक पैसा दांत से पकड़ कर रखता है जल्दी घर में कोई खर्च नहीं करना चाहता अगर कहता तो बदले में सार बातें सुनाता उसे ये लगता अब सारा खर्च वहीं उठाता है। रमन का ये रुका और स्वार्थी स्वभाव घर में सभी लोग जानते दीनानाथ जी की अनुभवी आंखें सब कुछ देखती समझती लेकिन घर की सुख शांति के लिए बोलते कुछ नहीं। लेकिन रमन की पत्नी सुधा बहुत अच्छे स्वभाव की और बहुत मिलनसार है वो घर में सबका ध्यान रखती और अपने पति के स्वभाव को भी समझती है लेकिन पति और परिवार के बीच में सामंजस्य बिठा कर सलती है। घर के सभी लोग सुधा से बहुत खुश रहते और उसी जगह अपने बेटे रमन से बहुत नाखुश रहते हैं। दीनानाथ जी की बेटी सिया की पढ़ाई पूरी होगी और वो साथ ही अच्छा घर परिवार मिल जाए और वो उसके हाथ पीले कर दे। आज लड़के वाले सिया को देखने आ रहे हैं। आज दीनानाथ जी के घर में बड़ी सहल पहले सुधा घर की साफ सफाई करे उसने सभी जगह नई सादरे बिछा दी और सोफे पर नए कवर बिछा दिए और सोच रही है कि बर्तन और क्रकरारी निकाल कर रख दूं फिर माँ जी से पूछ कर नाश्ता और खाना तैयार कर लेती हूँ। सुधा अपनी सासू माँ दया जी से पूछती है माँ जी नाश्ते और खाने में क्या बना दूं तो दया जी हंसती है बेटा तुम तो खुद कामकाज में इतनी दक्ष हो हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है लेकिन तुम पूछ रही हो तो बता दे बेटा नाश्ते में थोड़ा नाश्ता बाजार से मंगवा लिया और तुम ब्रेड रोल तैयार करके रख लो बस उस समय गर्मा गर्म उतार लेना अकेले क्या क्या करोगी मुझे तो उन लोगों के पास बैठना होगा। सिया तैयार होगी और मीठे में तो मैं तो तुम्हारे बाबूजी बताई सुखे उनका पसंदीदा हलवा बनेगा। सुधा ने पूछा और खाने में क्या बनेगा माँ जी तो दया जी बोली ये तुम अपने बाबूजी से पूछ तो वो ज़्यादा अच्छे से बता दे। सुधा अपने ससुर दीनानाथ जी से पूछती बाबूजी आज ये मौका माँ जी ने आपको दिया बताए क्या क्या बनेगा। दीनानाथ जी बताए बेटा मलाई कोफ्ता वो तो तुम बहुत राजभाव बनाती हो टमाटर आलू की लटपटी सब्जी सूखी गोभी मटर आलू की सब्जी फलों का रायता खट्टी मीठी चटनी सलाद वगैरह तो होगी और पालक सुखदर की पूरियाँ दाल की कसूड़िया ये सब गर्मा गर्म उतार लेना और मीठा बाजार से आ जाएगा। दीनानाथ जी खाने पीने के बेहद शौकीन इंसान है उन्होंने अपनी जिंदगी में ज़्यादा धन दौलत जमा नहीं की लेकिन खाने पीने और पहनने ओढ़ने में कोई कमी नहीं रखी। दया जी हंस कर करते देखा बेटा तुम्हारे बाबू जी ने कितने अच्छे से सब कुछ बता दिया तो सुधा कहती हैं हाँ माँ जी मुझे तो बाबूजी के लिए ये सब करना बहुत अच्छा लगता है बस रमन से सब सब्जियाँ और पनीर मंगवा लूँ तो सब फटाफट बना डालूँ लड़के वालों के आने का समय हो जाएगा। सुधा जब अपने पति रमन को सभी सामान की लिस्ट पकड़ाती हैं तो एकदम गुस्से से बौखलाकर सामान की लिस्ट फाड़ देता है इतना सामान इतना खर्चा।
मेरे बस की बात नहीं बाबूजी को तो बस बैठे बैठे बढ़िया खाने को सही खर्च करना पड़े तब पता चले। अब बस हुआ बहुत हुआ, मैं सबको अकेले खिला सकता, हम दोनों अलग घर में रहेंगे, हम दो लोगों का खर्च ही कितना है। सुधा गुस्सा होकर रमन को शुभ करवाने लग दिया और कहती आप अकेली नहीं सब कुछ करने वाले, बाबूजी भी करते लेकिन आपकी तरफ वो कभी सुनाते नहीं, ताने नहीं मारते। आज आपकी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे, शर्म आनी सही आपको सी ऐसी घटिया सोच, एक बेटे की अपने माँ बाप और बहन के लिए वो महा। बाबूजी जियो ने आपको पढ़ाने लिखाने के लिए अपना जीवन और खुशियां बलिदान कर दिया, आप बहुत ही स्वार्थी है रमन, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाबूजी इतने सालों से आप सबका खर्चा बिना किसी कष्ट के उठा रहे और एक आप है कि 2 साल से बाबूजी की थोड़ी सहायता करके आप अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। उन्होंने आपको इस लायक बनाए तभी आप आज जो ये अपनी इतनी अच्छी सरकारी पोस्ट पर हैं, और अगर वह भी सिर्फ अपने और माँ जी के बारे में सोचते तो आप पता नहीं कहाँ होते। रमन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सुधा, मेरी पत्नी होकर उन लोगों का पक्ष ले रही हो। सुधा कहती है दिमाग तुम्हारा खराब हो गया रमन, मेरा नहीं, वो दोनों तुम्हारे माँ बाबू जी तुम्हारे जन्मदाता, आज तुम्हें भगवान ने मौका दिया है कि अपने माँ बाबू जी के लिए कुछ करने का, माँ बाबू जी का कर्ज तो कोई उतार ही नहीं सकता लेकिन हम उन्हें थोड़ी खुशी तो दे सकते। आप अलग रहने की बात करें, अलग रह कर सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, आप अपनी तनख्वाह पर इतना इतरा रहे, अभी तो बाबूजी सब कुछ करते तब आप इतना सिर सिड़ाते, जब अकेले सारी गृहस्थी का भार उठाएंगे तब सारी अकड़ निकल जाएगी और आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, मैं अपने माँ बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब बातें कमरे के बाहर खड़ी दीना नाथ जी सुन लेते, वो तो सुधा से ये कहने आए थे कि बेटा रमन से किसी सामान के लिए मत कहना, तुम हमें बताओ हम सब ले आएंगे, लेकिन उनका वार्तालाप सुनकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई। वो अपने बेटे से कहते आज तक सुना था बहुए घर तोड़ती है पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, बेटा अलग होने को घर और बहू मना कर रही है। दीना नाथ जी कहते बेटा हम अपने बेटे की मनोस्थिति बहुत अच्छी तरह से जानते लेकिन सुधा की वजह से चुप रहते, लेकिन एक बात आज तुम्हें बता देते कि हमारे पास एक एक खर्चे का हिसाब है, जिस दिन से तुमने कमाना शुरू किया हम भी अपने कार काम पर लग गए, तुम्हारे स्वभाव की वजह से हमें पता था कि एक ना एक दिन तो ये नौबत आनी है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे हमारे खर्चे की रकम तुम्हारे किए गए 2 साल के खर्चों में से कहीं गुना ज़्यादा है और तुम अलग होना चाहते हो तो शौक से अलग हो सकते लेकिन इस घर में नहीं, तुम्हें कहीं और जाकर रहना होगा, अगर इस घर में रहो ये तो किराया भरना पड़ेगा और जो आज तक हमने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और रहन सहन पर खर्चे किया वे सब सूद समेत वापस आइए, आज तक हमने कभी ताना नहीं मारा, हमने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छा जीवन और शिक्षा देने के लिए अपनी इच्छाओं को हमेशा दबाया, क्या सिर्फ इसलिए जब तुम्हारी बारी आए तो तुम हमारे ऊपर तानों की बौछार करो। खैर कोई बात नहीं, हम आज भी अपने परिवार का खर्चा उठाने में सक्षम है, तुम्हारे ऊपर ही निर्भर नहीं है, ये गलतफहमी तो अपने दिल से निकाल दो, अगर हम नहीं भी रहेंगे तो इस घर का किराया इतना मिल जाएगा जिससे तुम्हारी माँ का गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। आज से हमारी वसीयत में हमारी और तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद हमारी हर चीज़ के अधिकारी हमारी बहू सुधा, हमारी बेटी सिया होगी, तुम नहीं। जो बेटा अपने माँ बाबूजी को खाने के लिए ताना मार सकता है उसे हमारी वसीयत में किसी चीज़ का कोई अधिकार नहीं, आज तो हम इस लायक है, कल को हमारा शरीर नहीं चलेगा उसका इंतजाम हम आज ही किए देते हैं। सुधा बेटा तुम जीवन भर बहुत खुश रहोगी और हमें तुम पर गर्व है, हम घर में अगर तुम्हारी जैसी बहू है तो हर घर शोकर बन जाए, लेकिन यहाँ तो हमारा अपना खूनी स्वार्थी हो गया। ये सब सुनकर रमन का सिर शर्म से झुक गया और उस बोलने के लिए उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले, उसे अपने लिए पर पछतावा हो रहा था लेकिन अब पछतावे से क्या होता है। रमन को पहले समझाना सही था कि जो माँ बाबूजी आजीवन खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं जब उनकी बारी आती है बच्चे इतना गलत बर्ताव क्यों करते हैं।